हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। दादरी के वार्ड नंबर 24 में मौजूद धर्मशाला के सामने रविदास जयंती मनाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आयोजन स्थल को लेकर रविदास सभा पदाधिकारी और दूसरे पक्ष में काफी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। बता दें कि कई दिनों से दोनों पक्षों की ओर से आयोजन स्थल पर खड़े किए गए वाहनों में भी तोड़फोड़ की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात कर दी है। वहीं बीते दिन दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर उनके बयान दर्ज कराए गए। वहीं एसडीएम ने कब्जा करने वाले पक्ष के लोगों से बात कर जयंती समारोह में किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी न करने की हिदायत दी है। उपमंडल अधिकारी संदीप अग्रवाल ने दोनों पक्षों के लोगों से शांति बनाए रखने का आग्रह भी किया। जिन साहब ने भी जो है बता दिया है और इस बारे में जो है दोनों पक्षों के जो एक शांति वार्ता के लिए दोनों पक्ष आम उनको इकट्ठा करके आपस में बातचीत करवा रहे हैं और किसी प्रकार का कोई तनाव या किसी प्रकार का नहीं, जो लीगल है कानून के दायरे में है वो सारा का सारा उसमें रहते हुए पूरा एक शांतिपूर्ण ढंग से कानूनी ठीक है। डीएसपी साहब आए थे अभी, यहाँ जी वो बोल के गए हैं कि यहाँ लेवलिंग हो जाएगी और रविदास जयंती के बाद में यहाँ टाइल बिछवाने के कह गए हैं, लेकिन पूरा समाज ये कह रहा है कि यहाँ टाइल बिछेंगे और यह अवैध कब्जा हटेगा तो रविदास जयंती मनाएंगे, नहीं तो रविदास जयंती नहीं मनाएंगे हम। और ये अवैध कब्जा यहाँ जो है यहीं रविदास जयंती का कार्यक्रम होता है, यहीं प्रोग्राम होता है, यहीं स्टेज वगैरह टेंट वगैरह लगते हैं और इसमें ये बोल रहे हैं कि पूरा समाज है यहाँ ये बोल रहे हैं कि टाइल लगेंगे और ये अवैध कब्जा हटेगा तो रविदास जयंती मनाएंगे और नहीं तो रविदास जयंती हम नहीं मनाएंगे।